Hi students, welcome back to our channel. Good morning to all of you. Nishreen Chinna from Competition Guru Coaching Center Phase 7 Mohali. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जैसे न्यू ईयर है सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. न्यू ईयर पे हमें जो है गिफ्ट्स जो है वो मिलते रहते हैं रिलेटिव से भी फ्रेंड से भी और हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी हमें तोहफे देने से पीछे नहीं हट रही है. बहुत अच्छी वैकेंसीज आ गई है आपकी SBI की SBI क्लर्कल की जो वैकेंसीज है वो आ गई है. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको SBI की जो वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है और उनकी जो वैकेंसीज आई है उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है. तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे. तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे भी कर लें. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. SBI ने वैकेंसीज निकाल दी है ऑन क्लरिकल लेवल. टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकली है 8,345. तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप प्लीज इसको हाथ से ना जाने दें और सैलरी रहेगी 26,000 आपकी अराउंड. सो स्टार्ट करते हैं. SBI की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दी है 8,345 है और सैलरी आपकी अराउंड 26,000 रहेगी. आफ्टर दैट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए स्टार्ट हो गए हैं. 3 जनवरी 2020 से आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और आपकी लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 26 जनवरी 2020. कभी भी लास्ट डेट का इंतजार ना करें, फटाफट अपना जो है मिड तक अपना फॉर्म जो है वो भर ले क्योंकि लास्ट के दिनों में थोड़ा सा सर्वर कई बार डाउन हो जाता है. तो किसी भी तरीके का आप रिस्क ना ले, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसको ग्रैब करें. तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कल से स्टार्ट हो गई है 3 जनवरी 2020 और आपका जो लास्ट डेट है वो 26 जनवरी 2020 है. प्री कैप का जो एग्जाम है वो फेब टू मार्च के बीच बीच में होगा, या तो फेब के लास्ट वीक या मार्च में, मतलब मार्च मिड तक आपका हो जाएगा. ये कोई स्पेसिफिक डेट नहीं आया है बट मेंस का हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डेट है मेंशन प्रॉपर. मेंस का जो एग्जाम है वो 19 अप्रैल 2020 को होगा, ठीक है. तो आपके लिए प्रेपरेशन के लिए भी टाइम थोड़ा सा कम है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 months ही है तो फटाफट करें. आफ्टर दैट आपकी एज लिमिट के ऊपर बात कर लेते हैं. अब जो एज लिमिट है फॉर जनरल कैटेगरी वो क्या है रजे, 20 साल से लेके 28 साल तक. बट जो आपकी एससी एसटी है उसमें एज रिलैक्सेशन है फॉर 5 years. ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन है 3 years और आपकी जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स हैं ईडब्ल्यूएस वाले उनके लिए 10 years है, ठीक है रिलैक्सेशन. तो एज आपकी क्या है 20 to 28. एससी एसटी के लिए 5 years का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 years का है और आपके पीडब्ल्यूडी के लिए 10 years का है. After that, main question जो आता है आपके माइंड में कि what is the educational qualification? आपके educational qualification graduation complete होना चाहिए, that's it. Graduation किसी भी stream में no percentage, कोई percentage का cut off नहीं है, which is very good plus point. ठीक है, graduation होना चाहिए बस आपका 1 जनवरी 2020 से पहले पहले आपका result आ चुका होना चाहिए. ठीक है, graduation होनी चाहिए आपकी educational qualification. After that, अब हम देख लेते हैं कि जो आपका प्री और मेंस का एग्जाम है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कितने कितने मार्क्स, कितने कितने टाइम का आपका एग्जाम होगा. जो प्री का एग्जाम है वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, आपको जस्ट उसको क्वालिफाई करना है. उसके जो आपकी फाइनल लास्ट लिस्ट बनेगी उसमें प्री के एग्जाम्स काउंट, आपके जो नंबर है वो काउंट नहीं होंगे, प्री के मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे, जस्ट प्री आपको क्वालिफाई करना है. सो प्री इज योर क्वालिफाइंग नेचर. और टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या है प्री का, 1 hour. English, Maths, Reasoning 3 subject आएंगे प्री के अंदर. English 30 questions होंगे 30 marks, Maths 35 questions होंगे 30 marks, Reasoning 35 questions होंगे 35 marks. तो total हो गया 100 question 100 marks का. और इसमें आपको sectional time दिया जाएगा, English करनी है 20 minutes में, Maths करना है 20 minutes, Reasoning भी 20 minutes, time duration 60 minutes, 1 hour complete. जब आप इसको qualify कर लेंगे फिर आप eligible हो जाएंगे mains के लिए जो कि आपका 19 अप्रैल को है, ठीक है. इसमें आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 40 मिनट. आना क्या क्या है सब्जेक्ट्स में, जर्नल अवेयरनेस आपकी जीके, इंग्लिश, और यहाँ पे जो जीके है थोड़ा बैंकिंग नेचर का रहेगा ज्यादा क्योंकि एसबीआई का है, ठीक है. इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी. तो इंग्लिश में से आपके 50 questions 50 marks, इंग्लिश आपका 40 questions 40 marks, मैथ्स आपका 50 questions 50 marks, रीजनिंग और कंप्यूटर टोटल में से 50 questions आएंगे 60 marks के. सो आपका 200 मार्क्स का एग्जाम कंप्लीट हुआ और इसके लिए भी आपको सेक्शनल टाइम भी दिया गया है. जनरल अवेयरनेस कंप्लीट करने के लिए 35 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स, मैथ्स के लिए 45 मिनट, रीजनिंग और कंप्यूटर एबिलिटी के लिए 45 मिनट. टोटल टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट 2 hours 40 मिनट. आफ्टर दैट जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे
मतलब मेंस की आपकी जो लिस्ट लगेगी उसके बाद आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब आपने जब ये पोस्ट भरनी है तो ये आपकी स्टेट जो भी आपको ठीक लगती है जिसकी आपको लैंग्वेज आती हो, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में प्रॉपर लिखा हुआ है कि जिस भी स्टेट को आप चूज करेंगे फॉर द पोस्ट वहां का आपको लैंग्वेज जो है वो रेड राइट टू स्पीक एंड टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से भरनी है, उसके बाद जब आपका मेंस क्वालिफाइंग हो जाएगा फिर आपका वो एक टेस्ट लेंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब इस आपका जो ये जो अपॉर्चुनिटी आई है क्लरिकल लेवल की, इट इज वेरी वेरी गुड। इसको प्लीज आप अच्छी डायरेक्शन में रह के अच्छा क्वालिटी वर्क पढ़ के और क्वालिटी टीचर से पढ़ के आप इसको यूटिलाइज करें। अब हमने भी अपना बैच जो है वो स्टार्ट कर लिया है, अगर अभी तक आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फटाफट करवा लीजिए। हम आपको जैसे मैथ्स है बहुत दिक्कत मैथ्स और रीजनिंग में आती है तो मैथ्स मैजिक हमारी बुक है, आप कोई भी एग्जाम बैंक का उठा के देख लीजिए लास्ट प्रीवियस ईयर्स 90% क्वेश्चंस जो है वो मैथ्स मैजिक में से डेफिनेटली आते हैं। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप उसको तैयारी करके पढ़ते हो अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप उसमें से इजिली मार्क्स ले सकते हो, बट द थिंग इज आपके पास क्वालिटी वर्क होना चाहिए, क्वालिटी वर्क के बिना कुछ नहीं होता। तो काइंडली आप फटाफट हमारा 2 दिन का फ्री ट्रायल है वो लें किसी भी ब्रांच में जो भी आपको नियर वन है, मोहाली, रोपड़, पिंजौर, बद्दी, चंडीगढ़, जो भी आपको नियर वन है वहां आप जाके फ्री ट्रायल लें 2 डेज का और इसकी प्रेपरेशन फटाफट स्टार्ट कर दें क्योंकि देखो ज्यादा देर नहीं है, फेब और मार्च के बीच बीच में आपका फ्री है जो कि क्वालिफाइंग करना बहुत जरूरी है, फिर आपका मेंस है, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी इसे मिस ना होने दें। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दें और आने वाली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर।